आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, मैं हूं निशांत गौतम। आजमगढ़ जिले में एक बार फिर यहां पे सजना ग्राम सभा है, थाना फूलपुर है। यहां पर एक जो है यहां पे मारपीट का मामला सामने आया है, काफ़ी लोग घायल हो गए हैं और मौके पर यहां पर थाना फूलपुर प्रशासन के लोग भी यहां पे पहुंचे हैं। इसके पहले मैं दिखाऊं कि किस तरह से मारपीट में कुछ क्षतियां हुई हैं, उस क्षति को हम दिखाना चाहेंगे कि जो छप्पर हैं छप्परों को जाड़ दिया गया है और साथ में खाना बनाने का जो बर्तन वर्तन उसको भी तोड़ दिया गया है, कुछ गैस के पार्ट को भी तोड़ा गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये मड़ी है, ये छप्पर है और छप्पर को भी यहाँ तोड़ा गया है। और ये मैं दिखाऊंगा कि अब मैं आ गया अंदर और ये यहाँ पे ये देखिए ये सब पिचक गया है। हम दिखाएंगे कैमरे में, हमारे हो रहा है, जा रहा है, ये कैमरे में हम दिखा रहे हैं कि ये सब पिचक गया है। और ये यहाँ पर महिलाओं को भी मारा गया है, चूँकि यहाँ पर जो मारपीट है, हमने बताया, हम मारपीट के लिए बता दें कि मारपीट का जो मामला है पत्थर फेंकने से शुरुआत हुई और ये पत्थर बताया जा रहा है, ग्राम प्रधान यहाँ से जो अमरनाथ गौतम है उन्होंने बताया कि पत्थर जो फेंकने का मामला है वो लगभग एक महीने से चल रहा था और आज ये मारपीट में तब्दील हो गया। और मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि अंदर जो है किस तरह से क्षतियाँ हुई हैं। इधर जो है महिलाएँ जो थीं उन महिलाओं को घर में घुसकर भी मारा गया है। और इधर अभी तो यहाँ काफ़ी अंधेरा है, किधर है, और काफ़ी अंधेरा है और किधर है, इधर जो है हम, हाँ यस, ये देखिए पंखे को भी घर में घुसकर जो है मारा गया है, ये देखिए पंखे को तोड़ा गया है। काफ़ी बहुत आक्रामक तौर से यहाँ पर मारपीट की गई है। और मैं चाहूँगा कैमरा हमारे अब आ जाएँ, बाहर आएँ। और उधर भी कुछ चीज़ें हैं जो ये दर्शाती हैं कि बहुत अंदर, देखिए ये हम बता रहे हैं कि शीशे जो है, शीशे को तोड़ दिया गया है, लठ से प्रहार किया गया है। और बचाव ये हुआ कि यहाँ पे कुछ पशु भी थे, पशुओं को यहाँ छोड़ा गया है। ये कुछ तार हैं और दरवाज़ा, दरवाजे पर भी चोटें हैं, देखिए ये दरवाज़ा टूटा है और यहाँ पे कील लगी है। अभी खैर अंदर के लोग जो है अंदर हैं, महिलाएं जो है, क्योंकि प्रशासन यहां पर मौके पर पहुंचा है और प्रशासन ने महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उनको सुरक्षा देते हुए घर के अंदर यहां पे सौंप दिया है। और ये देखिए कुछ इधर भी मड़ियाँ हैं जो टूटी हैं, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन आ जाएं। ये देखिए ये पुआल से जो है ये एक दीवार बनाई गई थी और उस दीवार पर जो है मिट्टी का लेप था, इसको भी गिरा दिया गया है। और इधर भी ये है, इस छप्पर को तोड़ा गया है। और उसके बाद इधर हम दिखा रहे हैं कि ये आप देखिए ये छप्पर को भी तोड़ा गया है, क्योंकि ये बहुत रूरल एरिया है और रूरल एरिया में ज़्यादातर छप्पर ही मिलते हैं, तो ये छप्पर को भी तोड़ा गया है। और इधर भी हैं, बहुत क्षति विक्षत किया गया है दोस्तों। बता, थाना फूलपुर मौके पर पहुँचा है, एक महिला है यहाँ पर, मैं बात करना चाहूँगा, आप आ जाएं। क्या मारपीट कैसे हो गई यहाँ पे? सर ये लोग हमारे आदमी के साथ मार रहे थे। अच्छा, तो कैसे मारपीट? हमने सुना कि पत्थर फेंकने को लेकर हुई है। पत्थर फेंकने से, बाकी हमारे घर के कोई लोग पत्थर नहीं थे। आपके भी घर पत्थर गिरा क्या? नहीं, हमारे घर तो हमारे यही है। अच्छा, पत्थर यहाँ पे पत्थर नहीं गिरा? नहीं। अच्छा, तो केवल आप टारगेट करके आपके घर के लोगों को मारा गया है? आप ग्राम प्रधान हैं? जी, ग्राम प्रधान। क्या आपका है? अमरनाथ गौतम। किस ग्राम से? ग्राम सजना। सजना से जी। तो क्या मामला था आपको यहाँ? यहाँ आज लगभग एक हफ्ते 15 दिन से किन्हीं के यहाँ कोई छिक्का मार देता है, किन्हीं के यहाँ कोई मार देता है, जिसमें मेरे घर, मेरे बीवी बच्चे घर मारा था छिक्का, मेरे करकट पे गिरा था। कोई पत्थर मार रहा? कोई पत्थर मार दिया, उसके बाद जो है मेरा बच्चा छत पे गया था, दूसरे छत पे, वहाँ बच्चे को भी लग गई, रो रहा था। किसी को नहीं पता किसी, मार रहा है? हाँ, किसी को नहीं पता, सारे लोग ताक़त में थे, कौन मार रहा कौन पता नहीं लग रहा है। उसके बाद जो है लोग आज एकाएक एक लोगों के घर में गिरा है, वो पत्थर जाके बच्ची को लगा। अच्छा। टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा था छोटा, जो बड़ा बड़ा रहा होगा, जब लगा ईंट का टुकड़ा तो वो लोग जो है लेके गए हॉस्पिटल, ले गए वहाँ डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबरा गई है बच्ची, ठीक ठाक है। मैं भी वहाँ गया,
तो मुझसे कहें कि जो है आप कहाँ आपके हैं ही मकान से बगल से वो लोग मारते हैं। मैं कहा भैया मेरे मकान के बगल से कहें हाँ आपके नलका है वही नलके से मारते हैं और इधर उधर जो है। तो मैंने कहा भैया एक जगह तो मर नहीं रहा, अगर नलके से मारते हैं तो कहा एक 500 मीटर मार देंगे। उसी बात हुई तो वो हमको भी धमकी दे रहे हैं लोग कि प्रधान को बुलाओ मार देंगे। हम भाग के बाहर हैं, हम गांव में नहीं गए हैं और जब तक प्रशासन नहीं आ जाता हम प्रशासन से बात किए हैं, प्रशासन के लोग आश्वासन दिए हैं कि अभी हम पहुंच रहे हैं। नहीं इसमें जो राजनीति की बात है तो भाई राजनीति है, मुझको जो है जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे वो लोग भी मुझको पहले से भी धमकी दे रहे थे, उसी में मुझको जो है ये कहा जा रहा है कि प्रधान को ही जो है मार दिया जाए, इनके गोल के हैं, इस तरह के लोग बात कर रहे हैं और मुझको भी धमकी दे रहे हैं। क्या नाम? रुदल कुमार। कहाँ से है? सहिजना। थाना कौन सा है? फूलपुर। क्या मामला है सर, तो कैसे खून मारा आपका? सर पूरा गांव वाले मिल के हमको पूरे गांव हमारे घर को पूरा घेर के मार रहे हैं सर। घेर के? सारे गांव के लोग हैं? सारे गांव के नहीं, चार पांच दस घर। चार पांच दस घर? कई घर के लोगों को मार रहे हैं? सिर्फ हमारे घर के, तीन घर को। तीन घर के लोगों को मार रहे हैं? हाँ। क्या पत्थर चलाया उसको पूछे न पास कौन मारा और सब लोग हमको आके हमारे घर परिवार को सब मार के अभी भी हमारे घर के सब लोग मौजूद हैं, मारपीट रहे हैं। सूचना मिली है कि झोपड़ी बड़ी फाड़ रहे हैं? हाँ सब झोपड़ी पत्रा हमारा सब तोड़ दिए हैं, सब हमारी बाइक वाइक सब तोड़ ताड़ के हमारे बीवी बीवी बच्चों को अनाप शनाप उसी उधर ही सब लोग कर रहे हैं। अच्छा कुछ महिलाएं भी घर के अंदर? हाँ महिलाएं घर के अंदर है, दरवाजा बंद करके सब लोग उधर जाके लाठी गोजी से सब दरवाजा तोड़ रहे हैं। तो सूचना आपने दिया है प्रशासन को? हाँ हमने प्रधान से तो सूचना किया प्रधान को। प्रशासन थाने पे आपने सूचना दिया? हमने तो सूचना सर नहीं दिया लेकिन प्रधान को सब सूचित किया है। क्या नाम आपका है? लीलावती। लीलावती हाँ। क्या क्या वहाँ माहौल है, कैसे आप लोग भाग के आए? हमने भाग के लिया ढेला पतंग कहिया चला था झूठा कह के हमारे यार उनके कहने दिया चला उला है। साहब हमने दौरा दौरे मारा था लुग्गा बेला जी एकदम फारी न बताए। अच्छा असली हरकत भी कर रहे हैं? हाँ एकदम हरकत है। नाम बताइए। पप्पू है, सप्पू है, पन्ने हैं, दुर्जन है, मेवा है, मिठाई है, तूफानी है, प्रकाश है। इतने लोग अब हरी है। अजय हो? अजय। हाँ साधु है। तो आप लोग भी खेत में भाग के आए? हमारे लोग खेत में भाग के कैसे कैसे सब भीतर एकदम बंद था, दरवाजा मड़ई कुल एकदम टूटी गयी था हमारे तोड़ के एकदम धाय दिए है। तो हो जाते हैं मारे के एकदम। तो आप लोग कैसे भागे वहाँ से जान? हमारे लोग के भाग के गड़ाई करके खेते खेतारी में घास भूसा बाकी पैसे को से जान बचाई के हम लोग खेत में टोका में है ये। तो आप लोग शासन को थाने सूचना दे दी है? हाँ थाने सूचना। हाँ थाने दिया सूचना, वहाँ से थानेदार आवत है प्रधान किया फोन लगाए प्रधान जी यही ने असली हरकतें भी की जा रहे हैं। हाँ या बहन कर रहा था ना, बहन मारा था ना, बहन गरिया था पूरा एकदम तोड़ा था मड़ई एकदम पूरा एकदम गिराए जाना है एकदम बर्तन यानी मार मार रहा था सर। हम बता दें कि प्रशासन फूलपुर यहाँ पे मौके पे पहुँचा और मौके पे पहुँचने के बाद अभी रात में यहाँ पे अभी प्रशासन के लोग हैं और रात भर यहाँ प्रशासन के लोग कुछ फोर्स यहाँ पे आने वाली है जो रात भर यहाँ पे चौकसी फोर्स करेगी। और हम बता दें दोस्तों कि हमारा जो लेटेस्ट जो हमारा पेपर है वो अब वीकली से अब दैनिक के रूप में आने वाला है, तो आप लोग लगातार बने रहें और हमारे न्यूज़ को हमारे जो हमारा पेपर है उससे जुड़े रहें। हम बताएं कि हमारे लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए अपने पीसी लैपटॉप इंस्टाग्राम फेसबुक पर टाइप करें www.kmasnews.com। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद कुमार गौतम के साथ मैं निशांत गौतम, के मास न्यूज़ आजमगढ़।